सभी लोगों को मेरा नमस्कार एंड जैस्मिन जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम एंड गिविंग मी दिस चांस टू टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी. तो आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है ना? ठीक है. तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी नंबर से रिलेटेड. क्योंकि देखिए, अगर हम प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो सब में ये चीज़ बताई गई है कि एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं, जो ज्योतिष विद्या है, वो इनकम्प्लीट है विदाउट द यूज़ ऑफ न्यूमरोलॉजी. तो जो अंक शास्त्र है वह ज्योतिष को कम्प्लीट करता है. तो जो लोग भी यहाँ पर ज्योतिष सीख रहे हैं तो उनको अंक शास्त्र को ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि वो हमें एक नज़र में किसी भी जातक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है. तो आज मैं आपको किसी के भी डेट ऑफ बर्थ से आप पहली नज़र में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. तो वो क्या चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिए. अगर आप नोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट कीजिए, ये आपके काफ़ी काम आएंगी, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर काफ़ी लोग न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं. तो जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, किसी का जन्म यदि 11 तारीख को हुआ है और 11वें महीने में हुआ है और 2009 का जन्म है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो एक नंबर है वो रिपीट हो रहा है, वो चार बार आ रहा है, 11 में दो बार और 11वें महीने में भी दो बार, और 2 का नंबर एक बार और 9 का नंबर एक बार. तो यदि एक नंबर जो है वो रिपीट होता है तो ये एक अच्छा साइन है. ऐसे लोग करियर में काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं और मनी का नंबर है और पैसे भी अपनी क्षमता से कमाते हैं. तो यदि आपके पास 1 नंबर 3 टाइम आ रहा है तो यहाँ प्रॉब्लम है, यदि वो 4 बार आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 नंबर रिपीट होने से आप ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे, ओवर मनी माइंडेड हो जाएंगे और आपकी लाइफ का मेन मोटिव होगा पैसे कमाना. तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. देखिए, डेट ऑफ बर्थ तो हमारे हाथ में नहीं है, जिस डेट को हम पैदा हुए हैं उससे हम चेंज तो नहीं कर सकते. तो नेम नंबर जो होता है, जो कि अल्फ़ाबेट से बनता है, वो हमारे हाथ में होता है, वो हम आसानी से चेंज कर सकते हैं. तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपको जो आपका नाम है उसमें यदि आप वो लेटर्स ला सकते हैं, जैसे कि आप जो भी अंकशास्त्र यूज़ करते हैं, पाइथागोरियन या शेल्डियन, उसके आप लेटर्स लेके आइए. तो वो लेटर से आप नंबर 8 और 6 को लेके आइए, तो 1 नंबर की जो वाइब्रेशंस हैं वो बैलेंस हो जाएंगी. तो उससे क्या होगा कि आप एक प्रैक्टिकल आउटलुक हो जाएगा. तो आप खाली ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ करियर में ही डूबे रहेंगे. तो इसी प्रकार यदि किसी के डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर का अंक आ रहा है, एक बार आता है और 9 और 4 नहीं आता, तो ये शो करता है ऐसे लोगों की बहुत ही एवरेज इंटेलिजेंस है. तो यदि आपके पास 9 और 4 का अंक भी आ रहा है तो एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर राहु का है और 9 नंबर मंगल का आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इंटेलिजेंस देता है. पर यदि 2 नंबर 2 बार आ रहा है और 4 और 9 नहीं है तो यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाते हैं और स्ट्रेस लेने वाले हो जाते हैं. और 2 नंबर यदि 2 से भी ज़्यादा बार आ रहा है तो ऐसे लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, हेल्थ उनकी ठीक नहीं रहती और बहुत ही ज़्यादा नैगिंग फॉल्ट फाइंडिंग टाइप ऑफ टेम्परामेंट हो जाता है. अब 3 नंबर की बात करते हैं. 3 यदि एक बार आता है तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और कंपटीशन से बहुत डरते हैं. ये गुरु का नंबर है, पर गुरु का नंबर यदि 2 बार या 3 बार आता है तो बहुत अच्छा है, बहुत नॉलेजेबल होंगे आप और लाइफ में काफ़ी आगे प्रॉस्पर करेंगे. पर यदि 3-4 बार आ रहा है, जो कि बहुत ही रेयर है, तो वो भी ठीक नहीं है. इसको आपको बैलेंस करने के लिए 5 और 7 की डिजिट्स देनी पड़ेंगी, तो उससे इमोशनली इंसान काफ़ी बैलेंस हो जाता है और उसका पॉजिटिव आउटलुक हो जाता है. 3 यदि 4 बार आता है तो ऐसे लोग भी लाइफ में काफ़ी इम्पल्सिव हो जाते हैं, जल्दबाजी में फैसला करने वाले और इम्पेशेंट, ये प्रॉब्लम रहती है. तो 3 एक बार आना ठीक नहीं है और 4 बार भी आ रहा है तो ठीक नहीं है, उसे आप ठीक कीजिए. अब 4 की बात करते हैं. राहु का नंबर है, एक बार आता है तो आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, 2 बार आता है तो भी बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है, आपका लॉजिक बहुत ज़बरदस्त है, आपके सामने कोई नहीं टिक सकता. अगर 4 आपके पास आ रहा है 3 बार या 4 बार और आपको उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास 9 और 2 के डिजिट्स नहीं है डेट ऑफ बर्थ में,
तो समझ लीजिए आप बहुत ही खड़ूस किस्म के इंसान हैं, आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। तो ऐसे लोगों को भी उसको वाइब्रेशंस को बैलेंस करने के लिए 9 और 2 की डिजिट्स लेके आनी पड़ेंगी उसके डेट ऑफ नेम नंबर में। उसी प्रकार यदि 5 नंबर आपके पास एक बार आता है तो आप इमोशनली काफ़ी स्टेबल हैं और एडजस्टेबल हैं। 5 2 बार आना भी बहुत ठीक है। 5 को बैलेंस करने के लिए आपके पास 3 और 7 की डिजिट्स होनी बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे लोग बहुत सही डिसीजन लेते हैं लाइफ में और प्रॉस्पर करते हैं। पर यदि 5 की डिजिट आपके पास 3 बार आ रही हैं या 4 बार आ रही हैं तो समझ लीजिए कि आप लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं दूसरों के लिए, किसी की बात नहीं सुनने वाले, बहुत ही एडवेंचरस होने वाले हैं और बहुत ही रिस्क टेकिंग टाइप ऑफ आपकी टेंडेंसीज रहने वाली हैं। यदि आपके पास 6 नंबर एक बार आ रहा है तो ऐसे लोग थोड़ा सा लक फैक्टर कम हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को इग्नोर करके दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, खास तौर पे उनके नियर एंड डियर वंस के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइजिंग हो जाते हैं जिससे उनकी खुद की प्रोग्रेस जो है वो नीचे चली जाती है। और 6 यदि आपके पास 2 बार आ गया, 3 बार आ गया तो बस गए काम से। तो ऐसे में 6 को बैलेंस करने के लिए 8 और 1 का अंक बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इससे आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी रहती है और आप अच्छी खासी वेल्थ भी अपने लाइफ में जनरेट कर सकते हैं बिसाइड्स टेकिंग केयर ऑफ योर लव्ड वंस। यदि आपके पास 7 नंबर एक बार आता है तो जो यहाँ सभी लोग बैठे हैं ज्योतिष का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा नंबर है। आप बहुत डीप स्टडी कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए 7 नंबर जो केतु का नंबर है वह होना बहुत ज़रूरी है। 7 नंबर यदि 2 बार आता है या ज़्यादा बार आता है तो ऐसे लोग सारे काम भूल के इसी चीज़ में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि वो अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों से हट जाते हैं, तो लाइफ में बहुत बड़ा इम्बैलेंस आ जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं साधु सन्यासी टाइप का एक आपका वातावरण हो जाता है घर में रहते हुए भी। तो 7 नंबर को बैलेंस करने के लिए आपको 3 और 5 ये 2 डिजिट्स लानी पड़ेंगी उसके नाम में, ताकि वो लाइफ को बैलेंस रूप से जी सके। अब यदि आपके पास 8 का अंक एक बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, बहुत नाम कमाएंगे और एक बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करेंगे। ये नंबर बहुत अच्छी इंटेलिजेंस और नॉलेज देता है आपको और प्रैक्टिकल सेंस भी देता है, लीडरशिप एबिलिटीज भी देता है। बट अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 का अंक 3 बार या उससे अधिक बार आ रहा है तो ये एक वार्निंग साइन है कि 40 साल से पहले आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, आपको बहुत धक्के खाने पड़ेंगे और पैसे भी नहीं इकट्ठे कर पाएंगे। तो जितनी मर्जी कोशिश कर ले इनकम भी अच्छी नहीं होने वाली। तो यदि 8 नंबर 3 से अधिक बार आ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए 1 और 6 के जो भी नंबर्स हैं, आई मीन टू से लेटर्स हैं, उनको नेम में लेके आइए। अगर किसी वजह से आप किसी के नेम में वो लेटर्स नहीं ला सकते तो ऐसे में उसका पूरा नेम चेंज कर दीजिए ताकि वो लेटर्स आप डाल सकें। यदि आपको ज्योतिष की नॉलेज है तो आप उस इंसान का पहला लेटर भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमरोलॉजी में, तो आप उसका पहला लेटर भी ज्योतिष के अनुसार जो भी उसका चंद्रमा का नक्षत्र का लेटर है वो दे सकते हैं। और उससे आप उसको सही लेटर भी देंगे और उस नाम में जो भी आप लेटर्स रखेंगे तो वो भी नंबर दे सकते हैं जो कि उसको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद लास्ट नंबर जो 9 है वो आपको समाज के प्रति काफ़ी ज़्यादा रुझान देता है। ऐसे लोग समाज सेविक होते हैं, काफ़ी जेनरस होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, मेमोरी पावर उनकी बहुत अच्छी होती है और इनको पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक होता है जिनका 9 नंबर होता है। 9 नंबर एक बार आए या 2 बार आए तो बहुत अच्छा है, फेम भी मिलता है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब 9 नंबर 3 बार आता है या 4 बार आता है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा रैश किस्म के हो जाते हैं और बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ निभा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 9 नंबर की वाइब्रेशंस को बैलेंस करने के लिए आप 4 और 2 के जो नंबर्स हैं नेम के थ्रू लेके आइए तो वो इंसान एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। तो इसी के साथ मैं पूर्ण विराम देती हूँ और थैंक यू फॉर लिसनिंग।